सिविलाइज्ड इंडियन। निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट, मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी गिरने वाला है। एज अ ब्रोकर व्हेन वी आर पुटिंग अ ट्रेड फॉर रिटेल इन्वेस्टर वी आर पुटिंग नंबर वी आर अट्रैक्टिंग नंबर ऑफ टैक्सेस सीजीएसटी आईजीएसटी स्टैम्प ड्यूटी एसटीटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। सो टुडे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अर्निंग मोर देन द ब्रोकर वी हैव। बजट में टैक्स को लेकर जो खबरें होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं कि आप नौचंदी या सोनपुर के मेले में घूम रहे हैं, हाथ नीचे की जेब पर है कि नहीं कटे मगर जेब पीछे से कट गई। जब आप पीछे की जेब बचाने के लिए हाथ रखते हैं तो कोई ऊपर की जेब से निकाल लेता है। नौकरी वाले हिसाब जोड़ने में लगे हैं कि टैक्स से 17,500 रुपया बचेगा तो इस पैसे से क्या क्या करेंगे, फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या खरीदेंगे। इतना ज्यादा पैसा बच गया है कि समझ नहीं पा रहे कि शेयर में लगाएं या सोना खरीद लें या फ्लैट खरीद लें, क्योंकि शेयर बाजार में मेहनत करने वाले लोगों के लिए यह बजट झटका लेकर आया है। और एक मीम जो मुझे दिखा, जो मुझे बहुत लगता है कि हर मिडिल क्लास घर में, और ये अगर मैं आपको दिखाऊं, वो कह रहा है ये तनख्वाह आती है, पहले तो 30% डायरेक्ट टैक्स दे देते हैं और बाकी का आप क्या करेंगे, आप जो खर्च करते हैं उसमें आप अगर ऑर्डिनरी चीजों पे खर्च करते हैं तो आपको 12% का जीएसटी लगता है, थोड़ी सी महंगी चीजों पर करते हैं तो 18%, और लग्जरी गुड्स थोड़े बहुत खरीदने का अगर आपका शौक है तो वो 28%। इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपके लॉसेस होते हैं तो सरकार आपको कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर आपको फायदा होता है तो 20% टैक्स दे दीजिए यहाँ पर या 12.5% जो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया है। ट्विटर पर ऐसे लोग काफी नाराज दिख रहे हैं, इनमें से कई लोग खुद को सरकार समर्थक बता रहे हैं, सरकार को कम्युनिस्ट लिख दे रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह से ट्विटर पर इंडेक्सेशन टैक्स की आलोचना हो रही है उससे लगता है कि ट्विटर पर ऐसे लोग ज्यादा सक्रिय हैं जिन्होंने 2-3 फ्लैट खरीद रखे हैं, शेयर बाजार में काफी लगा दिया है और खाली वक्त में ट्वीट कर राष्ट्रवाद का परचम लहराते हैं। इसलिए आप लोग आज से ही सोच सकते हैं कि आप हर महीने इस 650 रुपए की बड़ी रकम का क्या करेंगे, आप इसे कहां इन्वेस्ट करेंगे, इससे क्या खरीदेंगे, क्या आप इससे नई गाड़ी खरीदेंगे, कोई नया बड़ा स्मार्टफोन खरीदेंगे, क्या इससे मकान खरीदेंगे, क्या इससे कोई जमीन का टुकड़ा खरीदेंगे या महंगे महंगे कपड़े खरीदेंगे। लेकिन आज से ही आप अपना निवेश प्लान कर लीजिए क्योंकि आज से एक बहुत बड़ा वर्ग है मध्यम वर्ग जिसे 650 रुपए का फायदा होगा हर महीने, 850 रुपए का होगा, और एक वर्ग तो ऐसा भी है जिसे 1,500 रुपए महीने का फायदा होगा। तो अब आप प्लान कर लीजिए कि इस पैसे को आप कहां निवेश करने वाले हैं, अभी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप इतने पैसे का आखिर क्या करेंगे। दरअसल अभी तक ये सरकार की तरफ से ये लोग जो नाराज हो गए हैं, किसी को ट्रोल करते थे, धमकाया करते थे कि आप राष्ट्र के विकास में योगदान नहीं दे रहे हैं, अब सरकार को ही ट्रोल करने लगे हैं, तो किसी को समझ नहीं आ रहा कि इनका करना क्या है। तो ट्वीट देखिए, इग्नोर कीजिए और हंसिए, विदेशी होने पर कितना स्वागत होता है, आप हैं कि विदेशी सोच से मुक्ति में लगा दिए गए हैं, औपनिवेशिक सोच के खिलाफ आपको संघर्ष करना है, ये बताया जाता है हिंदी नाम रखकर, सड़कों और गलियों के नाम बदलकर, जी से जॉर्ज की जगह जी से गुड्डू लिखवाने में आप लगा दिए गए हैं, शेयर बाजार का चेहरा देखकर भारत की इकोनॉमी का चेहरा गुलाबी बताने वाले आज गुलाब के कांटे की तरह नुकीले नजर आ रहे हैं। जिस देश का विद्वान ही क्या हो, तो उन्होंने अपने बजट में से 20% जीडीपी का 20% उन्होंने उसके बाद शिक्षा को प्रायोरिटी दी। हमारे देश ने 7% का सपना देखा, 4% पर अटक गए। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है।